सरकार द्वारा शहर में शुरू किए गए आधारभूत धान खरीदी केंद्र पर परंपरागत कांटा बाट से धान तोलने से किसानों को प्रत्येक कट्टे पर 2 किलो धान की घट होने की चर्चा है। इससे किसानों का भारी मात्रा में नुकसान होता है। इस कारण केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे के माध्यम धान तोलने की मांग की गई है। डोंगरला के किसान बबलू पटले ने बताया कि इसके पूर्व भी किसानों द्वारा शहर के धान खरीदी केंद्र पर धान बेचने लाया था तो प्रत्येक कट्टे में कम से कम 2 किलो धान कम तौलकर गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाया गया था। दूसरी ओर अधिक नमी वाले किसानों के धान को या तो वापस कर दिया गया अथवा तौल पर रोक लगा दी जाती है। क्षेत्र के किसानों द्वारा केंद्र चालक से इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से धान खरीदी की मांग की जाती है, किंतु इस ओर उनके द्वारा अनदेखी की जाती है। इससे किसानों का परंपरागत कांटा बाट से तौल से अधिक धान चला जाता है, उसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पटले ने कहा कि जब कृषि उपज मंडियों में धान इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से तौला जा सकता है तो सरकारी धान खरीदी केंद्र में परहेज क्यों किया जा रहा है।